स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, बात करें थायराइड को लेके, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको थायराइड के साथ साथ शुगर भी है, साथ साथ उन्हें कब्ज भी है। तो अगर वो थायराइड को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या बाकी रोगों को भी कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, चलिए, थायराइड तो ठीक ही हो सकता जी है और डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है जी और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता जी है। सबसे पहले थायराइड को कंट्रोल करना होगा बिल्कुल और थायराइड भी आप देखेंगे कि ये भी डायबिटीज़ की तरह बढ़ता जा रहा है और महिलाओं में बहुत ज़्यादा, और महिलाओं को चाहिए कि 5 बार गर्म पानी पिए, खूब गर्म पानी, और धूप में भी चलें, धूप में रहें या धूप में चलें, अंदर रूम में धूप नहीं आती, पूरा दिन अंदर हो जाता है घर में, तो अगर ऐसा है कि धूप नहीं आती घर में तो बाहर निकलें या छत पर जाएं, लेकिन 1 घंटा धूप में रहना या धूप में चलना बहुत ज़रूरी है। इससे भी थायराइड और डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए यही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको थायराइड हो गया है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की शिकायत है, बीपी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि सबसे बड़ी बीमारी की अगर हम बात करें, कैंसर जैसा रोग भी यूनानी से आपका ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपके रोग के लिए कौन सा नुस्खा हो सकता है, वो कीमती नुस्खा जो सीधा आप लोग जानते हैं हकीम साहब से। लाइव कार्यक्रम चल रहा है दर्शकों, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। तुरंत आप लोग फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए, अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है कोलकाता से हमारे साथ सुभाष श्री, स्वागत है आपका। हेलो मैम नमस्ते, जी, मुझे थायराइड के बारे में कुछ पूछना है। पूछिए। बताइए बताइए। थे मैं देखी थी, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, फिर और के क्या कह रहे हैं और आगे? सर गौन जी मौर्य, नमस्ते, फिर से थोड़ा अब बोलिए। तो आप जो बोले थे मैं देखी थी, तीन तो चीज लिख ली हूँ, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और सॉरी क्या सॉरी, चाहिए? जी। अच्छा, धनिया 300 ग्राम लेना है। लिखिए धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेना है गौन मोरिंगा। गौंद यानी गम, गौन मोरिंगा, ये सफ़ेद वाला लेना है, गौन मोरिंगा सफ़ेद। तो ये रॉ मटेरियल लेने हैं और घर पर पाउडर बनाना है, फिर एक एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, तकरीबन 3 ग्राम, ये छोटा चाय का चम्मच होता है ना, ये आप लिया करें। और वो गोली भी लें थायराइड की जो आप खाते हैं, आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की गोली हर महीने कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर। जब आप अपनी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा और धीरे धीरे आपकी थायराइड की गोली ख़त्म हो जाएगी और आपके डॉक्टर के मशवरे से फिर आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। और ये नुस्खे से आपको, इस नुस्खे से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। जी, नेक्स्ट कॉलर है गुजरात से फातिमा बानो हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए, सवाल करिए बोलिए। गले में कांकड़े होते हैं ना, कांकड़े गले में होते हैं ना, कोकड़े, टॉन्सिल टॉन्सिल की शिकायत है। अच्छा, जी, किसको है, कितनी उम्र के मरीज हैं? मेरी सिस्टर को है। नहीं, उनकी एज होगी ना, उनकी एज बताइए तकरीबन अंदाजन। उनकी उम्र क्या है? 19 साल। ठीक है। अच्छा, देखिए घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ और बाकायदा इलाज भी बताता हूँ। घरेलू नुस्खा ये है कि आप लिसोड़ा उन्नाव, लिसोड़ा उन्नाव और अलसी को 100 100 ग्राम लेकर
पाउडर बनाएं और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। गरम मसालों में 1.5 इंच की जो लंबी सी खूबसूरत सी काली सी पीपल होती है वो 30 ग्राम मिलाएं, पाउडर बनाएं और आप एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें और 5 बार गर्म पानी पिएं। अपनी सिस्टर से कहें 5 बार गर्म पानी खूब पिए। और वैसे इसके लिए बाकायदा इलाज भी कर सकते हैं, माजून आर केयर सुबह शाम लेने से इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इनका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है हरियाणा से, पूजा हमारे साथ, स्वागत है पूजा जी। नमस्ते जी। नमस्कार, मुझे हकीम सर से बात कर लीजिए। मैं जी पूजा जी आदाब, बताइए क्या सवाल है सर। वो मुझे ना आपके से यकीन मुआ से बहुत हो रहे हैं, मैंने डॉक्टर से भी दवाई ली लेकिन तब मैं दवा लेती हूँ तब तो ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर हो जाते हैं, फुंसे हो जाती है पिंपल, और उसके बाद मेरे फेस पूरे पे खुजली चलती है और नेक पे गर्दन पे भी चलती है, कभी कानों में चलती है और एक बाल बहुत झड़ते हैं मेरे। ठीक, तो देखिए इन सब का एक इलाज बड़ा अच्छा है अगर आप कर लें। और देखिए एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा, ये आधा ग्राम ये रॉ मटेरियल ले लें और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, यह आपकी सारी समस्या का निदान मुमकिन है। बिल्कुल, तो पूजा जी आपकी जो परेशानी है वो बहुत छोटी सी है, सिर्फ आपको ये नुस्खे अपनाने हैं और फिर देखिएगा कितना खूबसूरत चेहरा आपका हो जाता है, पिंपल्स आपको नहीं होंगे और जो भी आपको स्किन रिलेटेड कोई और दिक्कत परेशानी है वो भी आपकी ठीक हो सकती है। तो नुस्खे अपना लीजिएगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग भी नुस्खे जान सकते हैं, सीधा आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रही हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। देखो हेलो साधना, हेलो, सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और सवाल करिए। दरवाजा बंद कर दे। हाँ जी, सवाल आपका 1063। हेलो, सवाल आपका। हाँ मेरा सवाल है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं एक गोली जीमा 2 ले रही हूँ और होम्योपैथी दवाई ले रही हूँ, उससे मेरी शुगर तो करीब करीब कंट्रोल हो जाती है लेकिन मेरे को चाहे जब रात को ज्यादातर नींद की परेशानी रहती है, पेट में गैस बहुत बनती है। मेरा सवाल ये है कि मेरे को नींद नहीं आती। ठीक है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं एक गोली अंग्रेजी ले रही हूँ और होम्योपैथी भी ले रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, आपकी एज का पता चल जाए तो मैं आपको आसान नुस्खा बता देता हूँ। एज आपकी 61 साल है, मेरे को 0.5 mg की सिर्फ नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। ठीक है, ये बड़ा गलत है कि आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है, तो मैं एक ऐसा ही आपको नुस्खा बताता हूँ जो आपके तमाम रोग पर काम करे और डायबिटीज़ पर भी काम करे और नींद पर भी काम करे और आपकी नींद की गोली भी पहले दिन से छूट जाए। एक सिरका आता है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल के रोज़ाना रात के समय पिया करें, 1 गिलास पानी में डाल के छोटे चाय के चम्मच, आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको सुकून मिल गया, बिल्कुल दिमागी सुकून और गैस वगैरह से भी बहुत राहत होगी और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल ये करता है और बहुत सारे फ़ायदे इसके। आपको जो डायबिटीज़ की दवाएं के नुकसान होते हैं उन वो भी नहीं होने देता, आप इसे इस्तेमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है महाराष्ट्र से, भगवान हमारे साथ, स्वागत है भगवान जी आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, ये डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। जी महाराष्ट्र के भगवान साहब, आप बताइए क्या सवाल है। सर मेरे जो एक कान की तरफ से है ना, एक कान में आवाज आती रहती है, रात दिन आवाज आती 24 घंटे। ठीक है, डॉक्टर
जी हमारे बॉडी के नसा कमजोर है जी जी ठीक है। अच्छा देखिए, कान की आवाज़ के लिए आपको रोज़ाना 6 मिनट निकालने होंगे और वो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको वो करनी होगी, तो 15 दिन में जाकर फ़ायदा होगा आपको, ऐसा मत सोचना एक दिन में हो जाए। और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, देखिए ये कान इससे मिलाइए कंधे से, जैसे मैं मिला रहा हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये मोंडा उठा दिया और कान मिला लिया, मोंडा बिल्कुल नहीं उठाना। ये आपको रोज़ाना 3 मिनट करना है, खूब ज़ोर से मिला दे बिल्कुल, ठीक है। और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट करना है। 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता, एक एक मिनट करके 3 बार में करें और शायद दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़े। और आप यकीन करें कि 15 दिन करना है, और 15 दिन में आपकी आवाज़ कहाँ गई, कान में जो शाएँ शाएँ चलती है वो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे, ऐसा मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। और नसों की कमज़ोरी के लिए गौन आता है, एक स्याह गौन, इसे काला गौन भी कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात लिया करें, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, तो आपको नसों का भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है हरिद्वार से, नेहा हमारे साथ, स्वागत है नेहा आपका। जी धन्यवाद मैम। हाँ जी बोलिए मैम। मेरी बेटी है 8 साल की और उसके चेहरे पर बहुत बारीक बारीक से पूरे चेहरे पर तिल हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे उनके बारे में जानना था मैम। जी जी हाँ, बहुत छोटी बच्ची है, उसको अगर वो खजूर खा सकती है तो जी। एक अच्छी किस्म की खजूर सुबह और एक अच्छी किस्म की खजूर शाम को दिया करें, और थोड़ा सब्र करें क्योंकि महीने 2 महीने में रिजल्ट आता है, बस ये काफ़ी है उस बच्ची के लिए। जी नेक्स्ट कॉलर है सुजाता जी हमारे साथ, स्वागत है सुजाता जी आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार बोलिए। बात करनी थी, मुझे थायराइड था के लिए हकीम साहब से। जी बताइए सुजाता जी। जी सर मुझे थायराइड है, उसके लिए पूछना है, मतलब दवाइयाँ खाती हूँ तो मतलब ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, एज लेकिन एज कितनी होगी आपकी? एज 28। ठीक है। अच्छा सुजाता बच्चा, देखो थायराइड का इलाज हो सकता है अगर आप 7-8 महीने करें, फिर इससे आपको निजात मिल जाएगी। और वो नुस्खा ये है कि धनिया लें 300 ग्राम, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा भी असली वाला लें, सफ़ेद वाला, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, तो इसको पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है, और ये अगर आप 7-8 महीने लगातार खा लें तो आपका थायराइड से निजात मुमकिन है। बिल्कुल, तो आपका थायराइड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बल्कि बढ़ भी नहीं पाएगा अगर आप ये नुस्खे अपनाती हैं तो। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं और डिटेल में बात करना चाहती हैं उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ भागलपुर से हैं रामाशंकर प्रसाद जी, स्वागत है आपका। बोलिए। हेलो। हाँ जी। ऐसा है कि मैं ग्रसित रोगी हूँ और मैं पिछले दो साल से बहुत परेशान हूँ, मेरा किडनी में बल 1.65 है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए कुछ उपाय मतलब बताया जाए। एक्चुअली मेरे पाँव भी बहुत स्वेलिंग रहते हैं। जी जी जी, किडनी के है ना मरीज? जी जी जी। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है किडनी का क्रिएटिनिन, गुर्दे की गंदगी को कहते हैं, किडनी की गंदगी को क्रिएटिनिन कहते हैं, और इसका बढ़ना अच्छा नहीं है, और इससे निजात भी मुमकिन है, अपनी डॉक्टर की हिदायत पर भी चले, लेकिन एक नुस्खा बड़ा अच्छा है वो ये है कि जैतून आता है, जैतून उसका नमक कहते हैं, नमक जैतून आप ले लें
100-200 ग्राम और आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करें, एक बार या दो बार। जैतून का नमक, तो आप देखेंगे कि ये आपका जो क्रिएटिनिन है एक ही महीने में कंट्रोल आ गया, लेकिन आपको काफ़ी दिन तक पीना चाहिए ताकि किडनी अपना काम ठीक से करने लगे।